2022 के एंड में हम अपने घर में दो छोटे छोटे मेहमान लेके आए हैं। यार अभी कॉलेज जा रहा था और कॉलेज जाते टाइम ना यहाँ पे रास्ते में देखिए ऊपर से भेड़ बकरी को लेके अंकल लोग आ रहे हैं ऊपर से। यहाँ पे रास्ते में ना काफी ज्यादा मतलब एक मनमोहक दृश्य बन जाता है, ये कितने प्यारे लग रहे हैं। अभी हमारे कॉलेज में ना एनसीएस का कैंप लगा हुआ है और यहाँ पे सारे स्टूडेंट हैं एनसीएस के। हेलो हाय। हेलो। और यहाँ पे देखिए मतलब मेरे चावल बन रहे हैं, चने की दाल, चने की दाल। और यहाँ पे राजमा, यहाँ पे जो वो सर्दियों में आग भी सेक सकते हैं आप, ठंड भी बहुत है, ठंड बहुत ज्यादा है। और यहाँ पे हमारे अबू ब्रो, हाय कैसे हो? बढ़िया भाई बढ़िया। और कुछ दोस्तों, अभी आज कॉलेज में फंक्शन है और आज हम वहाँ से बंक मार के यहाँ पे आए हैं। तो ये है जसिमपुर का नोन और यहाँ पे रास्ते का काम लगा हुआ है। तो ये देखिए कुछ इस तरह का रास्ता है, यहाँ पे यहाँ से जाना पड़ेगा हमें, वहाँ से आगे देखते हैं किस तरह का रास्ता है। तो ये देखिए कुछ इस तरह का रास्ता है, बहुत बच बच के चलना पड़ रहा है। देखिए यहाँ पे ना सरिये भी निकले हुए हैं, देखिए अगर ये पैर में लगे तो भाई सीधे नीचे गिरेंगे। ये जसिमपुर का नोन है, इसके ऊपर से निकल रहा है रास्ता। ये देखिए कि जसिमपुर के नोन में ना मछलियाँ, ये देखिए ऑरेंज मछली, और ये तभी निकलती हैं जब यहाँ पे पानी में कोई हलचल ना हो। तो अभी यहाँ पे आधा घंटा स्पेंड कर दिया है हमने क्योंकि यहाँ पे फोटोज वगैरह क्लिक करवाए। यहाँ पे तो खाई है, इन पत्थरों से होके जाना पड़ेगा हमें ऊपर, पत्थरों में थोड़ा डर लग रहा है यार। तो रास्ता काफी टफ था, तो यहाँ पे रास्ते का काम लगा हुआ है और यहाँ से है सीधा शॉर्टकट बाजार के लिए निकल जाएगा मंदिर के पास से। हम जा रहे हैं यहीं पे, एक जगह है जसिमपुर में जहाँ पे की शमशान घाट भी है और अच्छा व्यू है देखने के लिए। तो ग्राउंड है काफी अच्छा, प्यारा व्यू है। और अभी हमें जनवरी में हॉलीडेज पड़ जाएंगी, तो सोच रहे हैं कि जो चीजें बच गई हैं यहाँ पे घूमने के लिए उनको एक्सप्लोर कर लेते हैं। थर्ड ईयर है तो उसके बाद फिर जसिमपुर आना नहीं आना क्या पता, मतलब किस्मत का क्या पता होता है, इसलिए बाहर तो जाना पड़ेगा कहीं ना कहीं। तो इसलिए यहाँ पे मतलब जो भी कुछ रह चुका है ना उसे एक्सप्लोर कर ही लेंगे। तो चलते हैं अभी। दोस्तों अभी पहुँच गए हैं हम इस लोकेशन पे और इसे बोलते हैं बसंती। और यहाँ पे ना काफ़ी ज़्यादा मतलब डर सा फील हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा सुनसान जगह है ये। और दोस्तों अभी हम जा रहे हैं पीछे क्योंकि इन्हें लग रहा है डर। और यहाँ पे ना कुछ ऐसी बात है, जैसे इस दिन पहले ना यहाँ पे जसिमपुर में नदी में एक यहाँ से रेस्ट हाउस से एक मतलब अंकल जो वो गायब हो गए थे और उनकी डेड बॉडी मिली है कल यहीं पे ब्यास नदी में, तो उनका अंतिम संस्कार भी आज ही होगा यहीं पे। तो इसलिए हम जा रहे हैं ऊपर और चलते हैं कुछ बढ़िया जगह पे, मतलब जहाँ पे हमें व्यू अच्छा मिल सके और वीडियो बन जाए और फोटो वगैरह अच्छे हो जाएँ, बस फोटो लेने हैं और तो कुछ नहीं। अभी जाएंगे हम इस तरह इस तरफ। हाँ ओए जल्दी चल, यहीं से है नदी पास में ही, यहाँ पे फोटो आ जाएंगे, दो तीन फोटो लेते हैं और चलते हैं फिर। कहाँ है अंकल? आज ही है ना तीन अंदर, तो अंकल भी जा रहे हैं अंतिम संस्कार के लिए। हम चलते हैं यहाँ पे, अभी यहाँ पे उनकी बॉडी को लेके आए नहीं है, बॉडी को लेके आएंगे बाद में और वो जाएंगे दूसरी तरफ जहाँ से हम अभी आए हैं। और हम जा रहे हैं नीचे की तरफ। दोस्तों अभी ये है बसंती का व्यू और ये है मेरे पीछे ब्यास नदी। और अभी हम किनारे पे चले हुए हैं, यहीं से आर पार जाते हैं, मतलब इस नदी को पार करते हैं वहां से। आज है कॉलेज का लास्ट डे, मतलब आज है 31 दिसंबर, लास्ट डे ऑफ कॉलेज एंड लास्ट डे ऑफ ईयर। तो
आज हमारे कॉलेज में ना थोड़ा बहुत फंक्शन होने वाला है, तो देखते हैं आज क्या होने वाला है। दोस्तों कॉलेज का प्रोग्राम कुछ इस तरह का, ये देखिए कॉलेज है और कॉलेज के सामने वाली बिल्डिंग पे वहाँ देखिए टेरेस पे बच्चे नाच रहे हैं और सॉन्ग लगे हुए हैं मस्त तरीके से। जाने के लिए तो हम भी जा सकते हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि मेरे पाँव में ना काफी ज्यादा दर्द हो रही है। शाम हो गई है, कल है न्यू ईयर और आज ना हम थोड़ा सा सेलिब्रेशन करने वाले हैं उसको, तो पापा से एक केक मंगवाया है, तो मैं अभी यहाँ पे अपने के लिए अपने लिए पॉपकॉर्न बनाने वाला हूँ। तो यहाँ पे पॉपकॉर्न बनके रेडी हो गए हैं और मेरे साथ यहाँ पे मिट्ठू है, तो मिट्ठू को भी खिला देते हैं। तो अभी 12 बज रहे हैं, तो आप देख सकते हैं मतलब बजने वाले हैं और यहाँ पे केक रेडी हो गया है और आज हम यहाँ पे काटने वाले हैं केक हैप्पी न्यू ईयर का। तो फाइनली यहाँ पे नया साल शुरू हो गया है और 12 बज गए हैं और यहाँ पे हमारा केक, तो केक कट करते हैं और हैप्पी न्यू ईयर सभी को। तो अभी पापा करेंगे केक कट करते हैं और 2023 का शुभ आरंभ करते हैं। ये लो जी केक काटो, दीदी काटेगी आज केक, मैं काटूंगी। हाँ। और क्या काटो, हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर आपको भी, हैप्पी न्यू ईयर और सभी को जेड़ा जेड़ा वीडियो दिखा देना तीनों सारे हो हैप्पी न्यू ईयर कहना नए साल लिए बढ़िया बढ़िया मुबारक हो सारे हो जेड़ा वीडियो दिखा दे तीनों सारे हो गलाने तो दे पहले तीनों तीनों सारे नए साल लिए नोया नोया खुशियां दे भगवान है ना मैं पहाड़ी सी गलांदी हां ओ भू खाई लिया कुछ नहीं हो सकता जो रखे अगर आपको खाई तो आप सभी को भी हैप्पी न्यू ईयर और आशा करता हूँ कि ये नया साल आपके जीवन में काफी सारी खुशियाँ लेके आए और हमें भी थोड़ी सी खुशी दे दो सब्सक्राइब करके। तो ये प्रैंक के बारे में बोल रहे हैं मम्मी, अगर आपने वो वाला प्रैंक नहीं देखा है तो यहाँ पे आ रहा होगा बटन तो चला रहता है। तो अभी कोई मत पिया कर मुंडू थोड़ा। अरे अभी तो पार्टी शुरू।